आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। इसके लिए ये मैंने पतली पतली गाजर ली है और ये गाजर मेरी 1 केजी है, बिना घिसे बिना रेते मैं आज ये हलवा बनाने वाली हूँ। आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चाकू की हेल्प से इस तरीके से रेत लेंगे। आप चाहें तो इसको पीलर से भी रेत सकते हैं और चाकू से भी इस तरीके से रेत कर इसके ऊपर के रेसे हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने गाजर को रेत कर इस तरीके से रेत कर तैयार कर लिया। अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। दोस्तों एक जरूरी टिप्स, गाजर का हलवा बनाते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि गाजर आपकी पतली पतली है तो आप उसको रेत कर पिलर से छीलने की बजाय इस तरीके से चाकू की हेल्प से रेतेंगे तो आपका छिलका कम वेस्ट होगा। और हाँ, दूसरी बात कि आप गाजर का हलवा बनाते समय आप इसको धोकर सुखाकर पहले रेडी कर ले, फिर उसके बाद हलवा बनाए। अगर आप बाद में करेंगे तो आपके हलवे की सारी मिठास निकल जाएगी और आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। अब मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है। और ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये दूध मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है, गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दिए है, जब तक मेरा दूध गर्म होगा तब तक मैं चॉपिंग की हेल्प बोर्ड पर, चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से रखकर गाजर के बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रेडी कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं हलवा बिना रेते बिना घिसे बनाने जा रही हूँ। इस तरीके से मैं सारी गाजर के पीसेस काट कर रेडी कर लूंगी। ये देखिए मैंने गाजर के पीसेस काट लिए हैं। इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर गाजर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाकू की हेल्प से भी इसको काट कर रेडी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने दूध उबलने चढ़ाया था, ये मेरा दूध अच्छे से अब उबल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये मैंने गाजर के टुकड़े काट कर रखे वो भी इसके अंदर जाएंगे। और कुकर का ढक्कन लगाकर कुकर का ढक्कन लगाकर दो से तीन सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे। ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन बंद करके गाजर को उबालने दूध के साथ रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर तक इसी तरह दूध में पकाकर रेडी करेंगे और इस तरीके से कलछी से हल्का हल्का मैश करते जाएंगे, इसको क्रैश करते जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अब मेरा दूध पहले से कितना कम हो गया है। अब मैं इसको कढ़ाई में पलट कर थोड़ी देर और दूध इसका कम करूंगी। ये देखिए पहले मैंने इसको कढ़ाई में कुकर में ही इसका दूध कम किया था, अब मैं इसको कढ़ाई में डालकर इस तरीके से थोड़ी देर और पकाऊंगी। जब मेरा दूध इसका आधा भी कम हो जाए और कम हो जाएगा तब मैं इसमें आगे की चीजें ऐड करूंगी। ये देखिए आप कितना दानेदार मेरा हलवा बनेगा। आप देख सकते हैं बिना मेहनत के बिना किसी झंझट के इस तरीके से आप भी हलवा बनाकर रेडी कर सकते। दोस्तों यकीन मानिए हलवा उतना ही टेस्टी बनता है जितना रेते हुए गाजर का बनता है। कम मेहनत में इस तरीके से हम बना के रेडी कर रहे हैं। ये देखिए दूध मेरा सूख चला है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने ये आधी कटोरी चीनी ली है। अभी 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से चलाने के बाद ये चीनी भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए
और इसमें डालने के लिए हलवे को मैं डालने के लिए मैंने ये कुछ चीजें ली हैं। ये मेरे 7 से 8 बादाम मैंने इस तरीके से काटे हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच पिस्ता लिया है। ये मेरे 2 चम्मच काजू लिए हैं। 1 चम्मच किशमिश लिए और ये मैंने थोड़ी सी इलायची में डाली हूँ। और ये मेरा 10 से 20 ग्राम खोया है। आप इसमें से कोई भी चीज आपके पास अगर ना हो तो ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, वरना इसमें से अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप इसके भी कर सकती हैं। ये देखिए मेरा दूध एकदम से सोख गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने चीनी लेकर रखी है ये भी इसके अंदर जाएगी। ये देखिए मैंने चीनी भी डाल दी है, दूध भी मेरा सूख चला है। अब इस हलवे ने मेरे देखिए कलर बदलना शुरू कर दिया। अभी मैं इसको और चलाऊंगी, गैस की फ्लेम लो रखूंगी, धीमी धीमी गैस पर इसको इस तरीके से अभी मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा प्यारा आया है, इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए मेरा दूध और चीनी अच्छे से सूख गया है, इसमें कलर भी बदलना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच एक चम्मच ये देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम देसी घी डाल, जो मैंने देसी घी डाला है, देसी घी डालकर भी हम इसको अब थोड़ी देर और भूनेंगे। जब मेरा घी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तब मैं इसके अंदर आगे की चीजें ऐड करूंगी जो ये मैंने लेकर रखी। ये देखिए ये मेरी थोड़ी सी किशमिश है, ये थोड़ा सा काजू है, ये थोड़ा सा पिस्ता है, ये बादाम है और ये मेरा थोड़ा सा खोया है और ये 1 पिंच इलायची पाउडर अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बाकी की चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। दोस्त आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ हो तो आप डालिए, अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। बिना इन चीज़ों इसमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो वो इसके बिना भी आप इस हलवे को बनाकर रेडी कर सकती हैं। ये देखिए दोस्तों अब मैंने जो बाकी की चीज़ें ली थी वो भी मैं इसके अंदर धीरे धीरे ऐड कर दूंगी। अब इन सब चीजों को अच्छे से चलाकर ताकि ये चीजें अच्छे से पूरे हलवे में हमारे मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हलवा जो बनकर कितना टेम्पटिंग और है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। दोस्तों आप भी इस तरीके से बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में हलवा बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई गाजर के हलवे की रेसिपी का कैसे लगी। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए मैंने अपने हलवे को, गाजर का हलवा जो मैंने बनाया उसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया। जो थोड़ी सी चीजें ऊपर से बचाई थी मैंने उसको मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दिया। ये देखिए मिलते हैं कैसे अच्छे से नए वीडियो के साथ।